हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर साफ़ करने का तरीका बताऊंगा कि अपन अपनी गाड़ी को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है। ये दोस्तों टोल टैक्स के बिल है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ओवरऑल गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। तो दोस्तों, मैं इसको साफ़ करने के लिए ये गो मैकेनिक का वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं आपको एक बार पीछे का बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने दोस्तों ये हटा दिए हैं सारे जो कवर आते हैं अपने, जो कंपनी देती है रेनॉल्ट के, जो मैंने बाई किए थे। और दोस्तों जैसे आपको ये दिखाई दे रही है कंडीशन दोस्तों, देखिए मैं अभी टोल टैक्स वगैरह की पर्ची में एक बार साइड में कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ फ्रेंड्स। और वैक्यूम क्लीनर को मैं दोस्तों डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा, उससे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बैटरी ड्रेन होने का खतरा रहता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी स्टार्ट कर ही अपनी गाड़ी की सफाई करें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गाड़ी न्यूट्रल में। दोस्तों मैं गाड़ी कर लेता हूँ अपनी स्टार्ट। दोस्तों चलिए गाड़ी कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट दोस्तों, और क्लीनर चालू हो चुका है दोस्तों। तो आपको आवाज आ रही होगी वैक्यूम क्लीनर की। इसी तरह दोस्तों देखिए, जैसे कि दोस्तों अब आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने एक बार इसी सफाई मारी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी हद तक गाड़ी साफ हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस्तेमाल करता हूँ इसका दूसरा ब्रश। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने दूसरा ब्रश इंस्टॉल कर लिया है। और आइए दोस्तों करते हैं गाड़ी को वापस से स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, अब आपको देखिए कचरा दिखाई दे रहा होगा। बाकी तो दोस्तों इसको कपड़े से भी साफ़ करना पड़ेगा इसको। और ये मैं एक बार ब्रश को हटा देता हूँ साइड में।
देखिए दोस्तों वहाँ पे पता लगेगा आपको। देखिए दोस्तों आगे से ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है दोस्तों, अब मैं इसमें दूसरा ब्रश लगाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, बाकी तो कपड़े से गीले कपड़े से मुझे साफ़ करनी पड़ेगी दोस्तों। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं इसमें और दूसरा ब्रश यूज़ करूँगा जो ये आपके सामने रखा हुआ है ब्रश वाला। देखिए दोस्तों आगे से गाड़ी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है और अब मुझे ये एसी वेंट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं साफ़ करूँगा दोस्तों। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि पहले नीचे से पूरी गाड़ी साफ़ की जाए, अब चलते हैं पीछे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपने पीछे का एरिया दोस्तों, एक बार मैं जाता हूँ पीछे की तरफ। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पीछे की ओर। देखिए दोस्तों कितनी गंदगी है पीछे, देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आगे की जो मैंने सफाई करी है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए दोस्तों आगे एक बार मैं दूसरा जो ये ब्रश है ये वाला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं पीछे का, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ साफ करके इंटीरियर। चलते हैं इंटीरियर साफ करते हैं। देखिए दोस्तों आप दूसरी बार में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं इस पे दूसरा ब्रश और मारने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको वो लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने देखिए जैसा कि दूसरा ब्रश लगा लिया है और मैंने इसे सफाई भी की है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इससे दूसरे ब्रश से अपने को कितना फ़ायदा मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरे ब्रश से मैंने सफाई की है, उससे मुझे और भी अच्छा रिजल्ट मिला है दोस्तों। हर एक ब्रश का अपना काम होता है दोस्तों, कौन सा ब्रश क्या काम करता है। तो चलते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको सफाई दिख रही होगी गाड़ी की, और पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी कि गाड़ी कितनी गंदी है अपनी दोस्तों। दोस्तों ठीक है दोस्तों।